नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। नए साल के जश्न में पूरी दुनिया डूब गई है। घड़ी में 12 बजने के साथ ही देश में नए साल का आगाज हो गया। इसके साथ ही लोगों ने नए साल के स्वागत में आतिशबाजी की। इससे पहले दुनिया के कई देशों में जश्न और आतिशबाजियों के साथ नए साल का वेलकम किया गया। सभी लोगों ने अपने अपने तरीकों से 2020 को विदा किया और नए साल 2021 की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। साल के जश्न को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। कानपुर के स्वरूप नगर क्षेत्र में एहतियातन बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कानपुर में आज 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को IG मोहित अग्रवाल सहित जनपद के अधिकारी रात्रि में गश्त में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। आज के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि नववर्ष का जो अवसर है उस पर चूँकि बाहर लोग जश्न मनाने के लिए निकलते हैं तो उसमें अपराध की कोई घटना किसी के साथ कोई कार्य ना कर पाए। इसके अलावा जो ये नववर्ष का जश्न है ये कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप सुरक्षा के जो उपाय हैं उसका अनुपालन करते हुए मनाया जाए। इसके अलावा कोई झगड़ा या कोई लाइन रोड का कोई इश्यू ना हो पाए और साथ ही जो नशे में कई बार लोग निकल के स्टंट करते हैं या एक्सीडेंट से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ना होता। चार पांच बिंदुओं को देखिए, हमने हर एक थाने को संवेदनशील ग्राउंड स्पोर्ट्स पर चिन्हित करके उनके ड्यूटी लगाने के लिए निर्देश किया था और इन्हीं ड्यूटियों को हमारे सभी जो ऑफिसर्स हैं वो निकल के इन्हीं ड्यूटियों पर हमारे पुलिसकर्मी उनकी उपस्थिति और उनकी सतर्कता को चेक करते हैं। सर, होटल्स और बार्स की भी चेकिंग की जा रही है? होटल्स और बार्स को भी चेक किया जाएगा। अगर कहीं कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके कारण। कानपुर से मोहम्मद जीशान खान की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।